भाजपा प्रदेश मुख्यालय में भाजपा महिला मोर्चे ने महिला आरक्षण विधेयक पारित किए जाने पर एक दूसरे को मिठाई खिलाकर खुशी मनाई। साथ ही सूबे के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का धन्यवाद भी अदा किया। महिलाओं का कहना था कि धामी सरकार के इस कदम से प्रदेश में महिला सशक्तिकरण में बढ़ावा देखने को मिलेगा। साथ ही पूरे देश में जो है उत्तराखंड 30% क्षैतिज महिला आरक्षण देने वाला पहला राज्य बन गया है। देहरादून से अवनीश गुप्ता की रिपोर्ट। एसओसी मुख्यमंत्री माननीय पुष्कर सिंह धामी जी का और उनकी सरकार का धन्यवाद व्यक्त करते हैं कि हमारी सरकार के द्वारा जिस प्रकार से हमारे जो उत्तराखंड राज्य है धर्मांतरण को लेकर जिस प्रकार से बहुत ही संवेदनशील राज्य रहा है और धर्मांतरण को लेकर विभिन्न कई मामले सामने देखने को मिल रहे थे, इसको लेकर के हमारी मुख्यमंत्री के द्वारा जिस प्रकार से बहुत ही कड़ा कानून धर्मांतरण कोई जबरन न कराए। महिला आरक्षण जो है ये देवभूमि को नमन करते हैं, वे सारी बहनें उत्तराखंड आंदोलन में सक्रिय बहनों को और उत्तराखंड आंदोलनकारियों को नमन करती हूँ। और ये तो बहुत बड़ा ऐतिहासिक कदम है उठाया धामी जी ने, और धामी माननीय मुख्यमंत्री धामी जी को हम बधाई देते हैं जिन्होंने महिलाओं की संवेदनाओं को, उसकी ये सबसे संवेदनशील मुद्दा था महिलाओं के लिए। और 2006 से पहले जब हमारा उत्तराखंड बना तो उसकी निर्माता महिलाएं ही थी, ये आप सबको पता है, क्योंकि हमने उस समय अपने घर बार भुलाकर सड़कों पर लगातार सालों तक प्रदर्शन किए हैं और उस प्रदर्शन के बावजूद हमको ये आरक्षण नहीं मिल पाया था।